हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम होल नंबर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स की आवश्यकता क्यों है, और नंबर लाइन पर भी होल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन को शो करना हमने देखा। आज उसी क्लास के कुछ की पॉइंट्स को बताने के बाद हम अगले क्लास का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने जो पढ़े थे उनके की पॉइंट्स हैं। बच्चों, जो होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर, हम कोई भी चीज़ आपको काउंट करने को देते हैं तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते, वन से। क्लास में रोल नंबर भी 1, 2, 3 करके होता है। आपको अगर आम दे दिए जाएँ टोकरी में, बोले गिनने के लिए, तो आप 1, 2, 3 करके गिनेंगे। ये होते हैं काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, है ना। और इनको जो सबसे छोटा होल, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है 1 होता है, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि +1 +1 करके हमको अगला नेचुरल नंबर प्राप्त होता है। ये थी नेचुरल नंबर्स की बात। होल नंबर्स की आवश्यकता कब पड़ी, क्यों पड़ी हमको? क्योंकि अगर हमारे पास मान लीजिए 5 सेब थे और हमने 5 खा लिए, तो हमसे पूछा जाएगा आपके पास कितने बचे, तो आंसर आएगा 0। तो इस 0 को ही बताने के लिए हमको होल नंबर्स, जिनको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, हमको इसकी ज़रूरत पड़ी। तो इन्हीं के गुण जो हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके सभी गुण होल नंबर्स के लिए भी सही है। मतलब नेचुरल नंबर्स की जितनी प्रॉपर्टी वो होल नंबर्स पर भी अप्लाई होती है। सबसे छोटा जो होल नंबर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। और हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि होल नंबर्स को भी हम नेचुरल नंबर्स की तरह +1 +1 करके जोड़ते हैं। तो हम +1 करेंगे किसी भी संख्या में, तो हमको उसकी अगली होल नंबर, नेचुरल नंबर जो जैसे बोलते हैं वैसे होल नंबर हमको प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबसे बड़े होल नंबर हम ज्ञात नहीं कर सकते। जो होल नंबर होता है बच्चों 0, उसका प्रेडिसेसर जिसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती, उस होता है -1। इनको वैसे हम, ये होल नंबर्स में नहीं आता, ये पूर्णांक है, इसको इंटीजर्स बोलते हैं, इसको हम अगली क्लासेस में आपको बताएंगे। तो उसका जो प्रेडिसेसर है -1 होता है, और सक्सेसर जिसको हम बोलते हैं परवर्ती संख्या, है ना। पूर्व मतलब पहले की, पर मतलब बाद की, और सक्सेसर होगा 1। तो होल नंबर 0 का प्रेडिसेसर हमारा -1 और सक्सेसर 1 होगा। संख्या रेखा पर जब हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं तो हम किस ओर बढ़ते हैं, दाई ओर। आगे नंबर लाइन पर हम कैसे बढ़ेंगे बच्चों, दाई ओर ऐसे करके। लेकिन जब हम डिवाइडेशन और सब्ट्रैक्शन दिखाते हैं तो हम बाई ओर आते हैं। जैसे हमारा ये नंबर लाइन है तो हम यहाँ पे इस तरीके से आएंगे, इसको हम बोलते हैं बाई ओर बढ़ते हैं। तो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए दाई ओर, और सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन के लिए हम बाई ओर चलते हैं। संख्या रेखा पर दाई ओर असेंडिंग ऑर्डर और बाई ओर डिसेंडिंग ऑर्डर में संख्याएं रहती हैं। जब हम नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं दिखाते हैं बच्चों, तो जो बढ़ता क्रम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ 0, उसके बाद बढ़ती हुई संख्याएं आएंगी बढ़ते क्रम में, ये। तो इस तरीके से ये सारे होल नंबर्स के की पॉइंट्स थे। अब हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, इससे रिलेटेड जो सारे गुण हैं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी संवरक नियम, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये संवरक नियम है जो होल नंबर्स के लिए क्या कहता है। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन। एडिशन के लिए अगर हम 2 होल नंबर्स लेते हैं तो उसका आंसर भी 1 होल नंबर आता है। जैसे हम लिखे 2 + 3 तो हमको आंसर मिलेगा 5। 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, आंसर 5 आया, ये भी होल नंबर है। हम 2 + 0 लेंगे तो भी जो हमारा आंसर आएगा 2 आएगा, तो 2 भी एक होल नंबर है। ये एडिशन की बात होती है। लेकिन जब हम मल्टीप्लीकेशन के लिए भी यही रूल है, मान लीजिए 2 × 3 करें तो आंसर आएगा 6, ये हमारा क्या होल नंबर है। 2 × हम 0 करेंगे तो आंसर आएगा 0, ये हमारा होल नंबर है। तो संवरक नियम जो होता है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए अप्लाई होती है, ये पूरे हमको होल नंबर प्राप्त होता है। लेकिन जब हम डिवाइडेशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो कहीं कहीं लागू होती है, कहीं कहीं लागू नहीं होती, हम उसको आपको बताते हैं। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करें, 2 होल नंबर लिए, आंसर आएगा 2। 3 - 0 किए, आंसर आएगा 3।
लेकिन जब हम 3 से बड़ा नंबर ले लें तो हमको यहाँ पे माइनस 1 मिलेगा और ये होल नंबर नहीं है, ये हमारी पूर्णांक संख्या इंटीजर बोलते हैं इसको, इसको हम अगली क्लास में आपको बताएंगे, तो ये होल नंबर नहीं है हमारा। और बड़ी संख्या हम ले लें तो हमारा आंसर जो आएगा ये भी होल नंबर नहीं, लेकिन हम अगर 8 - 3 करेंगे तो आंसर आएगा 5, क्योंकि ये होल नंबर है। तो मे बी मे नॉट बी मतलब हो भी सकती हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर समवर्क नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए नहीं भी हो सकती। इसी तरीके से हम डिवाइडेशन देखते हैं, डिवाइडेशन में क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं बच्चों दो होल नंबर लिए 12 / 3 तो हमारा आंसर आएगा 4, लेकिन जब हम इसी को उल्टा कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1/4, और ये होल नंबर नहीं जबकि ये होल नंबर है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है और डिवाइडेशन, इसके लिए होल नंबर्स का जो समवर्क नियम है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये लागू होती भी और नहीं भी, मे और मे नॉट। तो आप तरह तरह के नंबर लेके इसको करके देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए लागू होती है और किस चीज़ के लिए नहीं। अगला हमारा नियम है क्रम विनिमय का नियम। यह भी जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पर अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन पर नहीं। क्रम विनिमय का नियम, मान लीजिए इसके लिए हमारे पास दो होल नंबर है ए एंड बी, तो हम जब इनको ऐड करें बच्चों, ए प्लस बी करें या ए क्रॉस बी करें, और इसको हम इस तरीके से भी लिखें ए प्लस बी या बी प्लस ए, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, और जहाँ ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3 हम लें, तो हमारा जो रिजल्ट प्राप्त होगा किस प्रकार का होगा ये हम देखते हैं। तो हम ए की जगह 2 और बी की जगह 3 लिखें, 2 + 3 करें या 3 + 2 करें तो हमको क्या आंसर प्राप्त होगा, हम जानते हैं बच्चों 2 + 3 करते हैं तो हमको आंसर 5 मिलेगा, और 3 + 2 करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा आंसर 5, मतलब ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करें 2 × 3 करें या 3 × 2 करें तो हमको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, 2 × 3 मतलब 6 एंड 3 × 2 = 6, तो ये भी इक्वल होंगे। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पर अप्लाई होती है, जब हमें डिवाइडेशन पर की बात करें और सब्ट्रैक्शन की तो ये अप्लाई नहीं होती। जैसे हम अगर a माइनस बी करें या b माइनस ए करें तो क्या हमको सेम रिजल्ट प्राप्त होगा, a को हम 2 लिखें और b को 3 लिखें और यहाँ पे 3 लिखें और यहाँ पे 2, 2 - 3 करें 3 - 2, तो आंसर क्या होगा, क्या इक्वल होंगे, 3 और 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों 3 में से 2 को तो हमको 1 प्राप्त होता है, लेकिन जब हम 2 छोटा नंबर है ए जो 2 हमने लिया बी से छोटा है तो हमारा जो आंसर आता है -1 आता है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। ये हम अगली क्लास में बताएंगे ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल नहीं होते। इसी तरीके से जब हम डिवाइडेशन की बात करें 2 / 3 and 3 / 4, या हम इसको अलग नंबर ले लें a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4 ले लें तो क्या होगा हमारा आंसर, a डिवाइड 2 और b डिवाइड a, a डिवाइड b एंड b डिवाइडेड, a को हम 2 लिखें 2 / 4 एंड 4 / 2, तो क्या हमको सेम आंसर प्राप्त होगा। अभी जब हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं इसमें 1/2 हमको प्राप्त होगा, और 4 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको आंसर 2 प्राप्त होगा, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं होते, ये अलग ही संख्याएं हैं बच्चों, ये होल नंबर नहीं है। तो ये जो होल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, जो क्रम विनिमय का नियम है, इसीलिए ये एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन पर अप्लाई होती है, डिवाइडेशन एंड सब्ट्रैक्शन पर डिवाइड नहीं होती, अप्लाई नहीं होती। अगली तीसरी हमारी प्रॉपर्टी बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं साहचर्य का नियम। यह जो रूल है बच्चों, ये हमारे पास अगर एक से ज़्यादा होल नंबर है और हम उनकी बात करें, उनको जोड़ने, यह भी जो है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पर अप्लाई होती है। मान लीजिए हमारे पास होल नंबर ए बी सी और ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हम उनको अगर ऐड करें और हम इस तरीके से इनको ऐड करें या हम इनको मल्टीप्लाई करें, तो हमको किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होगा, क्या जो नंबर प्राप्त होगा वो होल होगा। अगर हम ए को लिख लें बच्चों 4, बी को लिख लें 5 और सी को लिख लें 2 और हम इसको ऐड करें,
फोर प्लस फाइव प्लस टू, फोर प्लस फाइव प्लस टू, हमको इस तरीके से हम इनको ऐड करें तो हमको जो रिजल्ट प्राप्त होगा बच्चों इक्वल होगा। हम देख लेते हैं, फोर और फाइव को ऐड करेंगे तो होगा नाइन, नाइन और टू को ऐड करेंगे तो आएगा इलेवन, फाइव और टू को हम ऐड करेंगे तो आएगा सेवन, और फोर को ऐड करेंगे तो हो जाएगा इलेवन। तो ये दोनों नंबर क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो इसी तरीके से हम अब मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी हम देख लेते हैं बच्चों, वह भी हमको इक्वल नंबर प्राप्त होगा। अब हम इसको फोर क्रॉस फाइव क्रॉस टू लिखें, और पहले हम फोर और फाइव को क्रॉस करें, या हम फाइव और टू को, तो क्या रिजल्ट, फोर फाइव जा ट्वेंटी होता है बच्चों, ट्वेंटी फिर टू करें तो हमको फोर्टी प्राप्त होगा। इसी तरीके से जब हम इसको देखेंगे फाइव टू जो होता है टेन, और जब हम इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर प्राप्त होगा फोर्टी, और ये दोनों कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है होल नंबर्स का, जो साहचर्य नियम है बच्चों, यह भी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन पर अप्लाई होता है। मतलब जब हम किन्हीं तीन या चार जो होल नंबर्स होते हैं उनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह भी होल नंबर होता है। और डिवाइड करें तो क्या हमको जो नंबर प्राप्त होगा होल होगा, जैसे हमारे पास है फोर माइनस फाइव माइनस टू, फोर माइनस फाइव माइनस टू, हम इनको करें ऐसे तो हमको किस तरीके के नंबर प्राप्त होंगे हम देखते हैं। फोर में से फाइव को हम माइनस करते हैं बच्चों, तो हम अच्छे से जानते हैं हमको होल नंबर नहीं मिलेगा, हमको माइनस वन मिलेगा। बड़े नंबर से छोटे नंबर से बड़े नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर हम माइनस टू कर रहे हैं। तो ये जो अलग टाइप की संक्रियाएं हैं ये होल नंबर्स की नहीं है। जब हम इसको करेंगे फाइव में से टू तो आएगा थ्री, और फोर माइनस डबल थ्री करेंगे बच्चों तो हमको आंसर मिलेगा वन। तो ये जो आपस में होंगे ये दोनों रिजल्ट जो होंगे ये इक्वल नहीं होंगे, यही साहचर्य नियम है। इसलिए साहचर्य नियम सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो होल नंबर्स के उन्हीं पर अप्लाई होते हैं, और ये सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन पर अप्लाई नहीं होते। होल नंबर से रिलेटेड बच्चों हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। यदि हमारे पास ए बी सी और भी हमारे पास कुछ होल नंबर्स हैं तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं। ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी आर आल्सो अ होल नंबर। जब हम ए और बी दो होल नंबर को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो जो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा बच्चों वह होल नंबर प्राप्त होगा। लेकिन जब हम ए और बी ए माइनस बी करें और ए डिवाइडेड बी करें तो जो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके लिए मैंने बताया था ए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जब ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, मतलब बड़ी होल नंबर से जब हम छोटे होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे, और ऑड या इवन होना चाहिए। डिवाइडेशन के लिए रूल अलग हो जाएगा बच्चों, मतलब डिवाइडेड करेंगे हम, अगर थ्री डिवाइडेड टू करेंगे तो हमको होल नंबर प्राप्त नहीं होगा, हमको रेशनल नंबर फ्रैक्शन में प्राप्त होगा। तो ये जो होते हैं हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन है जो उनको हम इस तरीके से लिखते हैं टू होल नंबर्स का, तो हमको जो आंसर वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे फोर डिवाइडेड टू करूँगी जब तो होल नंबर टू प्राप्त होगा, लेकिन मैं फोर डिवाइडेड फाइव करूँगी या फोर डिवाइडेड थ्री करूँगी तो मेरे को होल नंबर प्राप्त नहीं होगा। ऐसे फोर सब्ट्रैक्ट टू करूँगी तो मेरे को होल नंबर प्राप्त होगा, लेकिन टू सब्ट्रैक्ट फोर करूँगी तो मेरे को होल नंबर प्राप्त नहीं होगा। तो ये हम संख्याओं पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की संख्याएँ लिए हैं, इसलिए ये हो भी सकते हैं होल नंबर रिजल्ट और नहीं भी हो सकते। तीसरा है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो क्रम विनिमय का नियम। ए प्लस बी लिखें या हम बी प्लस ए लिखें, या ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए, वो आपस में इक्वल होती है, मैंने करके बताया है। चौथा जो हमारा है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए कभी इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ए एंड बी अनइक्वल है। जब ए एंड बी अनइक्वल होंगे बच्चों तो ए माइनस बी और हम बी माइनस ए करेंगे तो इक्वल रिजल्ट हमको नहीं प्राप्त होगा। इसी तरीके से जब हम उनको डिवाइड करेंगे ए डिवाइडेड बी एंड बी डिवाइडेड ए, और ए और बी अनइक्वल हैं तो हमको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो इक्वल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब ए डिवाइडेड बी करेंगे और बी डिवाइडेड ए करेंगे, और यदि ए और बी आपस में इक्वल हैं, जैसे फोर डिवाइडेड फोर या फोर डिवाइडेड फोर, टू डिवाइडेड टू, टू डिवाइडेड टू करेंगे तो जो आंसर प्राप्त होगा इक्वल नंबर हमको प्राप्त होंगे, होल नंबर होंगे। तो जो सातवां की पॉइंट से बच्चों, ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य नियम बताया था आपको, ए प्लस बी प्लस सी, जब इनका क्रम बदल दें ए प्लस बी प्लस सी तो ये जो आंसर आएगा इक्वल आएगा सारे होल नंबर्स। यहाँ भी जो हमको मिलेंगे रिजल्ट होल नंबर मिलेगा। इसी तरीके से ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम क्रम बदल के भी करें तो हमको होल नंबर प्राप्त होगा।
जब हम किसी भी होल नंबर में बच्चों शून्य को ऐड करते हैं तो हमको वो होल नंबर प्राप्त होता है, रिजल्ट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, या हम शून्य में अगर उसी होल नंबर को ऐड करें तभी। होल नंबर में शून्य ऐड करना या शून्य में होल नंबर ऐड करना, तो हमको वही होल नंबर प्राप्त होता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी होल नंबर में शून्य का, तो होल नंबर शून्य हो जाता है, या हम शून्य में वो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमको शून्य प्राप्त होता है, उसके रिजल्ट में चेंज नहीं होता। इसी तरीके से जब हम होल नंबर में वन को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो हमको वही होल नंबर प्राप्त होता है, उसके कोई चेंज नहीं होता। यहाँ वन में कोई होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमको वही होल नंबर प्राप्त होता है। जब हम होल नंबर में वन से डिवाइड करते हैं बच्चों, तब भी हमको वही होल नंबर प्राप्त होता है। इसीलिए शून्य को हम योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, और वन को गुणन तत्समक मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इसको एडिटिव आइडेंटिटी और इसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सामान्यता ए माइनस बी माइनस सी जो साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों, या ए माइनस बी माइनस सी अनइक्वल होते हैं। ऐसे ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, हम जब उनका क्रम बदल के उनको इस तरीके से डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको जो रिजल्ट प्राप्त होता है अनइक्वल होता है। तो ये थे बच्चों हमारी प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स। उम्मीद है बच्चों आपको हमारी आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।